Okay, so, uh, hi guys, this is gaming and आज की वीडियो लोग बात करने वाले हैं के बारे में। I mean, जो ये ऊपर लोग लेकिन हम लोग बात करने वाले सोल गॉब्लिन के बारे में क्यों एक अच्छा बहुत अच्छा प्लेयर ये टीम को uh, मिल सकता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कूडोज टू टीम सोल इन द लास्ट फ्यू वीक्स जिस सीरियसनेस के साथ ये टीम यू नो हमें नजर आई है Uh, जब प्लेयर्स एकदम से शफल किए गए पीछे इसके बाद जैसे ही बोला गया था कि बहुत सीरियस चेंजेस होंगे सीरियस चेंजेस टू बी ऑनेस्ट हुए हैं वहीं पर हम लोग देख पा रहे हैं प्लेयर्स लाइक अक्षत ओमेगा दिया नो आउट ऑफ दे आर प्लेइंग आउट ऑफ द माइंड्स एंड ओमेगा एक बहुत बेहतरीन आइजरियन उसके बाद अगर हम लोग गॉब्बलिन की बात करें द वे गॉब्लिन एज इन नो गॉब्लिन लाइक्स टू प्ले तो इसके अंदर हम लोग बात करें कि गॉब्लिन का प्ले स्टाइल Uh, उनके उनके क्लिप्स के द्वारा एंड नॉट जस्ट हैज यूट्यूब क्लिप्स हम लोग उनके इंस्टाग्राम की बहुत पुरानी क्लिप्स पे भी जाने वाले जस्ट टू टॉक अबाउट ये वीडियो पूरे एंड तक देखना एंड लाइक like करना अपने uh, you know, चैनल को एक मिलियन का अपन लोगों का गोल है शेयर करना एंड वेल सब्सक्राइब जरूर करना एंड uh, uh, मेरी एक्चुअली uh, मैं चाहता था कि अगर ये आ सकते तो जरूर इनके साथ बातचीत होती बट आई गेस थोड़े से बिजी थे सो तो ये अभी आ नहीं पाए बट इफ जस्ट नो टॉक अबाउट दी अदर थिंग्स जो कि यहाँ पर चल रही है सो लेट जस्ट यू नो मूव फॉर्वर्ड एंड यहीं पर हम लोग जाएंगे पुरानी वीडियोज पर ये वीडियो लगभग साल पुरानी आप देख सकते हो हैं एंड जिस तरीके से ये प्लेयर खेलता है इट्स एक्चुअली रियली ओल्ड बट इट्स जस्ट यू नो हेयर फॉर दी अंडरस्टैंडिंग कि ये प्लेयर बहुत अच्छा एक कंपोज प्लेयर है जिस तरीके से ये प्लेयर खेलता नजर आता है यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ये

ये आपने देखा था अमन देख देख थे बोला बट यू नो दिस इज वेयर यू सी द वे दिस प्लेयर यू नो जस्ट लाइक्स टू प्ले काफी अच्छे तरीके से यूएमपी जैसा वेपन जो आजकल हर कोई यील्ड करता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि हम इन लोग बात करते हैं किस तरीके से एक इंडिविजुअल प्लेयर को फाइट लेनी होती है यूएमपी यील्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये तो एक बहुत अच्छा यू नो गेम सेंस पर खेला हुआ प्ले है देखा था, से किस तरीके से ये जो मैच ये गया था ज्यादा पहली चीजें लेते हैं समझना है कि किस तरीके से कोई भी एक प्लेयर खेलता है उसी चीज के ऊपर हम लोग यहाँ पर यू नो ओवरऑल कॉन्वर्जेशन अपनी रखने वाले की कि किस तरीके से कोई प्लेयर अगर आपको खेलता नजर आता है हाउ डज अ प्लेयरस्टैंड गेम फाइटिंग स्टांस किस तरीके से रहता है

एक नॉर्मल प्लेयर से एक ऊपर वाले लेवल पर लेकर के जाता है सो इफ यू हैव दैट गेम सेंस यू नो यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एंड जब आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप अपने हिसाब से पूरे गेम प्लेस बना सकते हो so सो ये प्लेयर फाइटिंग स्टांस बहुत अच्छी रखता है एग्रेशन पर जाता है एम बहुत अच्छा है लेकिन गेम सेंस एक ऐसा काम करती है जो आपको बताती है कि आपको यू you नो know, जोश में होश नहीं खोना है तो so जब आप वो चीज़ यू you नो know, रख रहे हो आप जोश में होश नहीं खो रहे हो ना आई बिलीव आपसे ज्यादा बेहतरीन इस पूरे लॉबी के अंदर कोई नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरीके से ये प्लेयर खेलता है ये चीज बहुत बार दर्शाता है एंड वंस यू नो ही शो के दैट तो आप देखिए एंड द नेक्स्ट पार्ट इज जितना आप जितना मर्जी देखिए अच्छा प्लेयर बन जाए जो भी चीज करें आपका एक अपना ब्रेन रहता है आई का एक अपना ब्रेन रहता है सो so, उन दोनों चीजों का कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन चाहे आईजीएल से हो चाहे टीम से हो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड वो कोऑर्डिनेशन ये प्लेयर ला करके अपनी टीम के कदमों में देता है क्योंकि जब आपके पास कोऑर्डिनेशन है टीम को जरूरत देखी जैसे टीम को जरूरत है यू जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विद दैट यू जस्ट क्लचिंग आउट द दूमेंट्स इन दोस टाइम्स एंड जब आपको पता चल गया कि आ, हो गया उसके बाद तो जाकर मारो सुक्का मारो जो करना है करो को, को, कोई कोई इशू होता ही नहीं है सो या दैट्स वेयर कोऑर्डिनेटेड गेम प्लेस दिस मल्टीपल टीम्स ही डजंट केयर इसको बस अंदर घुसना है फाइट लेनी है सो ही इज ब्रिंग

ये वो एग्रेशन ला करके जब टीम को दे रहे हैं राइट right? किसी मर्जी तरीके से जो एग्रेशन ला करके टीम को दे रहे हैं टीम को उसका बहुत फायदा होगा इन दी अपकमिंग टूर्नामेंट्स आई डू अंडरस्टैंड हमें जो टीम सोल है बहुत ज्यादा अलग देखने को मिल सकती है हमें टीम सोल बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है इसकी पहली झलक मैं बोलूंगा जो स्काई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट हो रहा है राइट स्काई स्पोर्ट्स के फाइनल्स के अंदर हमें डेफिनेटली उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सो आई वुड लव टू सी हाउ दिस टीम जस्ट यू नो परफॉर्म एंड uh, जैसा भी इस टीम का परफॉर्मेंस रहेगा आई आई प्री मच बिलीव यू जस्ट अंडरस्टैंड राइट ये बहुत छोटी छोटी क्लिप्स हैं बट ये चार मेजर पोर्शन है बट आप देखिए जिस तरीके से ये खेलते हैं जिस तरीके से पूरी टीम खेलती है इनको पता है कि अंडरस्टैंडिंग रहनी सी एंड वेल दैट अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ द आउट टू पिक्चर सो ही ही जस्ट अंडरस्टैंड ये तो एक बेसिक सा फोटो सॉरी uh, एक बेसिक सा वीडियो बना करके इन्होंने रख दिया सामने बट या yeah, खेल रहे हैं ये उनके अराउंड अपना गेम प्ले बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं एंड ही हैज गेम प्ले फिर तो भाई जितना मर्जी आप इनके नीचे चल जाओ आपको ये पता चलेगा पुराने इंस्टाग्राम से अभी तक ये प्लेयर रिफाइन होता रहा है विद एवरी वे विद एवरी गेम यू नो दैट हीज प्लेइंग दिस प्लेयर इज रिफाइनिंग हिस्स गेम प्ले और जब वो रिफाइनमेंट आती है तो आपको कोई नहीं रोक सकता एंड टीम के साथ भी टीम सोल के साथ भी वो रिफाइनमेंट है वो रिफाइनिंग फेज है टीम का एंड जब टीम के साथ वो रिफाइनमेंट रहती है टीम को कोई नहीं रोक सकता ये एस ए अगेंस्ट इनका एक छोटा सा होता है यूएमपी यूएमपी को यील्ड ये प्लेयर काफी अच्छे तरीके से करता बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूएमपी को यील्ड करता है एंड आई बिलीव इनके जो चौथे प्लेयर है उनका नाम भी आई गेस लोगों को पता है कौन से वो है, आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना टीम इज डेफिनेटली रेडी टू डॉमिनेट वो डोमिनेशन अब किस यू नो से आई बिलीव पहले टूर्नामेंट में आई एम एक्सपेक्टिंग टॉप थ्री एंडिंग फ्रॉम दिस टीम बाकी आने वाले टूर्नामेंट्स में जो जो होता रहेगा अगेन रिफाइनमेंट होती रहती है प्लेयर्स कभी भी अभी जितने भी टूर्नामेंट्स बीजे इसके बाद हो रहे हैं सारे प्लेयर्स सारी टीम्स यू you नो know, अपने प्लेयर्स शफल अप कर रही है कोई किसी के लिए अच्छा प्लेयर बन रहा है कोई किसी के लिए खराब प्लेयर बन रहा है बार बार बनते रहेगा ये स्काई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट के फाइनल्स के बाद भी शायद थोड़े बहुत शफल्स हमें बहुत सारे टीम्स में होते हुए देखने को मिल सकते हैं कोई प्लेयर का सीरियस नहीं है डेफिनेटली निकाला जाएगा कोई प्लेयर का सीरियस है डेफिनेटली रखा जाएगा कोई प्लेयर का कॉर्डिनेशन में दिक्कत रहा है डेफिनेटली निकाला जाएगा सो यस वो सारे कॉर्डिनेशन जो है वो हमें देखने को मिलने जरूर वाले थ रिस्पेक्ट टूल टूर्नामेंट सो स्का शुरुआत होगी अगेन ये टीम ऑन पेपर जरूर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है बट देन एट दी एंड देखना पड़ेगा कि टूर्नामेंट्स में कितना डिलीवर करते हैं क्योंकि हर टूर्नामेंट में आपके ओपोनेंट्स का भी सीरियसनेस एक अलग लेवल का होता है एंड दिस प्लेयर जैसे कि हमने बात करी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा एम बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी काफी ज्यादा फेयर से प्लेयर नजर आता है एंड दट इज अ वेरी गुड थिंग आप लोगों का क्या विचार है गॉब्लिन को लेकर के मुझे जरूर बताना आई प्रीम बिलीव ये प्लेयर कूटेगा एंड बहुत ज्यादा कूटेगा एज एन इंडिविजुअल एज वेल बट देन हर टूर्नामेंट में अलग-अलग बातें रहती हैं सो so यहां देखेंगे वंस uh, अगेन आप लोगों के जो विचार रहते हैं जरूर बताइएगा मैं मिलूंगा आप लोगों तो 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 से अगली वीडियोस में तब तक के सेफ स्टे इंडस्ट्री ऑसम एंड पीस आउट गाइस हैव एन एमेजिंग डे लेट्स सी हाउ द टीम परफॉर्मेंस टेक केयर पीस आउट